हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SBG स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे क्वेश्चंस, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां से आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इस वीडियो में आज ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ 10 क्वेश्चंस बताऊंगा, 10 ऐसे क्वेश्चन टॉपिक्स बताऊंगा जहां से जो एग्जाम में आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, और मैंने यहाँ पे कॉपी में लिखे हुए हैं 10 टॉपिक, ये एनालाइज किए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपको कुछ भी चीज़ नहीं बताता हूँ, और मैं आपको बता दूंगा कि आप खुद भी कैसे एनालाइज कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो एंड में आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से एनालाइज करो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सभी को पता होता है कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, फिर भी आप नहीं पढ़ के जाते हो। बट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी प्रॉब्लम है कि यार वो नहीं पढ़ सकते, अभी वो किसी का एक्स्ट्रा में है, किसी का तो कोई किसी बायोलॉजी से है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पढ़ नहीं पाते, तो किसी स्टूडेंट्स को ऐसा भी है जिनको पास होना है, तो सभी के लिए जिनको जानना है कि 10 ऐसे क्वेश्चन है जो मैं इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऑन फिक्स्चर। एक क्वेश्चन आपका गारंटेड बता सकता हूँ कि यहाँ से आएगा। आपसे पूछेगा ड्रॉ अ फिक्स्चर ऑफ 21 टीम्स, मोस्टली पूछा जाता है, तो ड्रॉ फिक्स्चर ऑफ 21 टीम्स। अभी दो तीन चीज़ों पे देखो, जैसे राउंड रॉबिन पे आ सकता है और नॉकआउट पे भी आ सकता है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन फिक्स्चर पे जरूर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दो डेफिनेशन और मैंने इसी में लिखी हुई है पहले ही क्वेश्चन में, सीडिंग एंड बाई क्या होते हैं इनके बारे में देख लेना। पहला क्वेश्चन किस पे फिक्स्चर पे आ सकता है, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बैलेंस डाइट और फूड इंटॉलरेंस। बैलेंस डाइट पूछ सकता है या फूड इंटॉलरेंस पूछ सकता है, एक क्वेश्चन इसमें से गारंटेड आपको मिलेगा, ठीक है। ये मैं आपको अपने एनालाइज के वो से बता रहा हूँ, मैंने एनालाइज किया है। एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है डिसीज एंड हेल्पफुल आसना। अब आपको एक डिसीज दे दी जाएगा, अस्थमा दे दी जाएगी, ओबेसिटी दे दी जाएगी, और उससे पूछेगा इसमें कौन सा आसना आपके लिए हेल्पफुल होगा और उस आसना के बारे में आपको बताना होगा। तो ये दो तीन ऐसे डिसीज है, जैसे हो गया अस्थमा, हो गया डायबिटीज़ हो गई, तो इनके लिए कौन कौन से आसना जो कि हेल्पफुल है और उनके आपको सारा जो कि प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो आपको लिखना है उस वाले जो आपका कौन सा योगा है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है आपका डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। अब आपको एक क्वेश्चन में यहाँ से बोल सकता हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ वो 99% चांस है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपका डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर में से एक क्वेश्चन आएगा जो कि टाइप कॉज सिम्टम्स इसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। आपको पूरा हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ऐसा पूछा जाता है डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी में आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपको टाइप कॉज सिम्टम्स तो आपको बताने पड़ेंगे, तो सबको प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कॉमन पॉस्चर डिफॉर्मिटीज, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा, ठीक है। इसके टाइप्स पे आता है, हो सकता है कॉमन पॉस्चर डिफॉर्मिटीज आपसे पूछ ले या उनके टाइप में से किसी एक टाइप को पूछ ले, स्पाइनल कर्वेचर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक बार देख लेना है, ठीक है, कॉमन पॉस्चर डिफॉर्मिटीज एक बार देख लेना। उसके बाद सिक्स जो क्वेश्चन है आपका सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट, विकिलन जॉन्स एक टेस्ट है इसमें अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट में से आपको हो सकता है टाइप पूछ लिया जाए, हो सकता है आपको डायरेक्टली यही पूछ लिया जाए, यही बहुत कम पूछा जाता है, इसके टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखिए, स्पीड एंड्योरेंस एंड इट्स टाइप एंड डिटरमाइन। अब आपको स्पीड और एंड्योरेंस के बारे में आपको पढ़ लेना है, उसके टाइप्स पढ़ लेने हैं और उनको कैसे हम डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। सात क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब एट्थ क्वेश्चन देखिए, मसल्स इन्वॉल्विंग रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर बार आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मसल इन्वॉल्विंग रनिंग एंड थ्रोइंग, रनिंग एंड जंपिंग, नेम एंड एक्सप्लेन। अब आपको देखो, वेरी शॉर्ट आपका MCQ टाइप क्वेश्चन आने वाला है, तो उसमें आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है जितना मैं बता सकता हूँ, मसल इन्वॉल्विंग इन रनिंग, नेम दी मसल विच इन्वॉल्विंग इन रनिंग, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको लिखना है एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से MCQ में इसमें आना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया आपको मेरे अब जो मैंने एनालाइज किया उस हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप फ्रिक्शन और पढ़ लेना, फ्रिक्शन पे भी काफ़ी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन में देखिए, इंट्रेंसिंग एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन, ठीक है, ये टॉपिक भी ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है, व्हाट इज मोटिवेशन, टाइप ऑफ मोटिवेशन, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाती है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन क्या होते हैं। तो ये था नाइन्थ क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगा वो है
आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एंड आइसोकाइनेटिक मेथड। ये तीन मेथड्स आपको एट द लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिलेंगे। ये तीनों मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेथड्स है? आइसोकाइनेटिक, आइसोमेटिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एंड आइसोटोनिक। ये तीनों मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे होप करूँगा कि आप ये क्वेश्चन कम से कम करके जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट के पास टाइम नहीं, वो कह रहे भाई क्या पढ़ के जाए, तो ये कम से कम आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इनसे अगर आप पढ़ जाओगे तो पास हो जाओगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप खुद भी एनालाइज कीजिए। देखो पिछले पाँच साल के आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, अपने पास ले लीजिए, पांच अपने क्वेश्चन पेपर लीजिए, सैंपल पेपर जो CBSE ने इशू किया है और किसी और अदर पब्लिकेशन ने निकाला है अपना सैंपल पेपर, इन सबको ले लीजिए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन मेनी टाइम मतलब कॉमन है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन कॉमन है, कौन कौन से क्वेश्चन सारे बताने के सभी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमको क्या बताते हैं, ये क्वेश्चन आने के चांसेस, रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर CBSE ने सैंपल पेपर भेजा है तो बोला है कि ये ऐसा आपका पेपर आएगा और हो सकता है उसमें से ये क्वेश्चन भी उठ के आ जाए, ठीक है। और हो सकता है जो थर्ड पब्लिकेशन ने आपको बताया वो क्या बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थर्ड पब्लिकेशन ने अपने हिसाब से बताया, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसका अपना एक्सपीरियंस है और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो खुद अपना एक्सपीरियंस देते हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन निकालोगे, जब तीन लोगों की आप सलाह लोगे, CBSE का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, CBSE का सैंपल पेपर है और अदर पब्लिकेशन का है, तो जब तीनों आपको बताएंगे ना तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि 99% ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आप सभी को भी पता होता है कि क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और आप फिर भी उसे छोड़ जाते हो तो ये आपकी गलती है। तो दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने बताया 10 क्वेश्चंस को आप जरूर करोगे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।